हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीके टुडे करंट अफेयर्स क्विज में। मैं हूँ यशवर्धन और आज है 25 जुलाई। सबसे पहला क्वेश्चन है, फकर जमान हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 1000 ओडीआई रन्स बिलोंग टू विच कंट्री। फकर जमान जिन्होंने सबसे तेज 1000 रन बनाए हैं ओडीआई क्रिकेट में, वो किस कंट्री के हैं? राइट आंसर है पाकिस्तान। फकर जमान पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में ये मुकाम हासिल किया है। उन्होंने टोटल 18 पारियां ली 1000 रन बनाने के लिए। इससे पहले ये रिकॉर्ड सर विवियन रिचर्ड्स के नाम पे था, जिन्होंने 21 पारियां ली थी। इंडिया की तरफ से विराट कोहली सबसे फास्टेस्ट प्लेयर हैं 1000 रन बनाने वाले। उन्होंने टोटल 24 पारियों में ये मुकाम हासिल किया। इसके साथ साथ फकर जमान पहले पाकिस्तान क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल मैच में डबल सेंचुरी बनाई है। सबसे पहले डबल सेंचुरी वनडे इंटरनेशनल में सचिन तेंदुलकर ने बनाई थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। उनके अलावा रोहित शर्मा ने 3 बार डबल सेंचुरी बनाई है वनडे इंटरनेशनल में। वनडे में हाईएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड भी रोहित शर्मा के नाम पर ही है, उन्होंने 264 रन बनाए थे। रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, फकर जमान के अलावा मार्टिन गप्टिल, वीरेंद्र सहवाग, क्रिस गेल ने डबल सेंचुरी बनाई है वनडे मैच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग हैज साइंड स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट विद विच फार्मास्यूटिकल कंपनी टू कोलाबरेट इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। यानी नीति आयोग ने किस फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से रिलेटेड। राइट आंसर है लुपिन फाउंडेशन। लुपिन फाउंडेशन ने हाल ही में नीति आयोग के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया है धौलपुर, विदिशा, नंदूरबार डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए। धौलपुर राजस्थान में है, विदिशा मध्य प्रदेश में है और नंदूरबार है वो महाराष्ट्र में है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की अगर बात करें तो ये प्रोग्राम है जिसका ऑब्जेक्टिव है जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स को इम्प्रूव करना। इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी 108 डिस्ट्रिक्ट के साथ में। उसके बाद इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से ऐड कर दी गई हैं और 1 वेस्ट बंगाल से ऐड कर दी गई है, यानी अब टोटल 112 डिस्ट्रिक्ट हैं। हाल ही में रिलीज हुई एक इंडेक्स के हिसाब से गुजरात के दाहोद ने टॉप पोजीशन हासिल की है। ये इंडेक्स एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की परफॉर्मेंस के बेस पे बनाई गई थी। वेस्ट सिक्किम इस रैंकिंग में दूसरे पोजीशन पर रहा। लुपिन फाउंडेशन की अगर बात करें तो लुपिन फाउंडेशन एक ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके फाउंडर देशबंधु गुप्ता हैं और प्रेजेंट सीईओ इसके हैं विनीत गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्रियल कमेटी हैज बीन सेट अप बाय उड़ीसा गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ उड़िया फिल्म इंडस्ट्री। उड़ीसा सरकार ने उड़िया फिल्म इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए कमेटी का गठन किया है। राइट आंसर है एसबी बेहारा कमेटी। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मिस्टर नवीन पटनायक ने कमेटी का गठन किया है ताकि उड़िया फिल्म इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के बारे में फोकस किया जा सके। ये कमेटी सरकार को रिकमेंडेशन देगी कि उड़िया फिल्म इंडस्ट्री क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही है और उनको कैसे कैसे सोल्व किया जा सकता है। ये कमेटी सरकार को 1 महीने के भीतर रिपोर्ट सबमिट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ई प्रगति कोर इनिशिएटिव टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सर्विस टू सिटीजन्स। कौन से राज्य ने ई प्रगति कोर नाम के इनिशिएटिव स्टार्ट किया है सिटीजन्स को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए? राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने हाल ही में ई प्रगति कोर नाम का एक इनिशिएटिव चालू किया है ताकि सिटीजन्स को सर्विस प्रोवाइड की जा सके एफिशिएंट वे में। ये इनिशिएटिव सरकार के टोटल 34 डिपार्टमेंट को कनेक्ट करेगा और उसके साथ साथ लगभग 745 स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, यानी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, उनको इंटीग्रेटेड मैनर में प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। यानी एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहां पे सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और सभी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो इंटरकनेक्टेड होंगी। ये प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश सरकार का सनराइज एपी 2022 का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें एक मेजर स्टेप है। सनराइज एपी 2022 की बात करें तो आंध्र प्रदेश सरकार के हिसाब से 2022 तक आंध्र प्रदेश टॉप 3 स्टेट्स हैं इंडिया के, उनमें एक होगा और 2029 तक ये एक डेवलप्ड स्टेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड द फर्स्ट एवर फीमेल हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के हाई कोर्ट की ये पहली महिला होंगी जो चीफ जस्टिस होंगी। राइट आंसर है ताहिरा सफदार। ताहिरा सफदार है वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस होंगी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के प्रेजेंट चीफ जस्टिस मोहम्मद नूर के रिटायरमेंट के बाद में वो उनकी पोजीशन लेंगी। पाकिस्तान की बात करें तो आज 25 जुलाई को पाकिस्तान में इलेक्शन है। इसके साथ साथ पाकिस्तान वर्ल्ड की 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। इस्लामाबाद पाकिस्तान की कैपिटल है। कराची पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट सिटी है। करेंसी है पाकिस्तानी रुपी। पाकिस्तान में 4 प्रोविंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस, बलूचिस्तान, खैबर, पंजाब, सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल सून इशू न्यू 100 रुपी नोट्स विद मोटिव ऑफ विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट।
आरबीआई ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो एक 100 रुपये का नया नोट जारी करेंगे जिसमें एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मोतिफ होगा। राइट आंसर है रानी की बाव। आरबीआई रानी की बाव के मोतिफ वाले 100 रुपये के नए नोट जारी करेगा। इसका बेस कलर है लेवेंडर। रानी की बाव की बात करें तो ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये एक स्टेप वेल है जो गुजरात के पाटन डिस्ट्रिक्ट में है। 2014 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था। ये 11th सेंचुरी में बनाया गया था। 11th सेंचुरी में रानी उदयमती ने अपने हस्बैंड भीम फर्स्ट की याद में इसे बनवाया था। ये साबरमती नदी के किनारे पर है। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को यूएन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1945 में लंदन में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई एक स्टेटूटरी बॉडी है, यानी कि ये एक एक्ट के थ्रू बनाई गई है। एक्ट का नाम है आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके प्रेजेंट गवर्नर हैं मिस्टर उर्जित पटेल। कमेंट बॉक्स में बताइए आरबीआई के टोटल कितने डेप्यूटी गवर्नर हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिलीज इट्स फर्स्ट एवर ट्राइबल एटलस टू हाईलाइट द ट्राइबल डेमोग्राफी ऑफ स्टेट। किस स्टेट ने हाल ही में ट्राइबल एटलस को रिलीज किया है वहाँ की ट्राइबल डेमोग्राफी को शो करने के लिए। राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मिस्टर नवीन पटनायक ने हाल ही में ट्राइबल एटलस को रिलीज किया है। ये एटलस एससी एंड एसटी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने बनाया है इन कोलैबोरेशन विद एकेडमी ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज एंड कल्चर। ये एटलस उड़ीसा की ट्राइबल पॉपुलेशन है उसके सैलाइंट फीचर्स को शो करता है मैप के थ्रू, चार्ट के थ्रू और डायग्राम्स के थ्रू। ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करें तो 2011 के सेंसस के हिसाब से लगभग 8.6% पॉपुलेशन है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। मध्य प्रदेश है उसमें हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन है। मध्य प्रदेश की लगभग 21% पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। मिस्टर नवीन पटनायक वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। उड़ीसा की ऑफिशियल लैंग्वेज उड़िया है और उड़ीसा में 30 डिस्ट्रिक्ट हैं। नेक्स्ट द यूनियन गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड विच हाई लेवल कमेटी टू सजेस्ट लॉज अगेंस्ट मॉब लिंचिंग एंड वायलेंस। केंद्रीय सरकार ने हाल ही में एक कमेटी का गठन किया है जो मॉब वायलेंस से रिलेटेड इश्यूज को हैंडल करने के लिए सरकार को रिकमेंडेशन देगी। राइट आंसर है राजीव गाबा कमेटी। राजीव गाबा जो कि यूनियन होम सेक्रेटरी हैं यानी कि केंद्रीय गृह सचिव हैं वो इस कमेटी के हेड होंगे। ये कमेटी रिकमेंडेशंस देगी एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को जिसके हेड हैं मिस्टर राजनाथ सिंह। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर को रिकमेंडेशन देंगे। आपको बता दूं कि सरकार ने इस कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद में किया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए कानून बनाना चाहिए। नेक्स्ट है द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडिया बांग्लादेश ज्वाइंट कमेटी ऑन बॉर्डर हाट वॉज हेल्ड इन विच सिटी। इंडिया बांग्लादेश के बीच जो बॉर्डर हाट हैं उसकी पहली मीटिंग कौन से शहर में हुई। राइट आंसर है अगरतला। अगरतला में इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर हाट की फर्स्ट मीटिंग हुई है। बॉर्डर हाट की बात करें तो ये एक जॉइंट लोकल मार्केट है जिसमें इंडिया और बांग्लादेश के ट्रेडर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। प्रेजेंटली 4 बॉर्डर हाट हैं वो ऑपरेशनल हैं इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर, जिसमें से 2 मेघालय में हैं, 2 त्रिपुरा में हैं। जो बॉर्डर हाट मेघालय में है उनका नाम है कलाइचर और बलात। बॉर्डर हाट त्रिपुरा में है उनका नाम है श्रीनगर एंड कमला सागर। यानी कि टोटल 4 बॉर्डर हाट हैं वो ऑपरेशनल हैं प्रेजेंट टाइम में। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है बांग्लादेशी टका और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मिस शेख हसीना। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला और त्रिपुरा इंडिया का थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोकसभा हैज पास द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट बिल 2017 ऑन चेक बाउंस केसेस। द बिल शैल अमेंड विच एक्ट टू रिजोल्व द इश्यू। राइट आंसर है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। लोकसभा ने हाल ही में इस बिल को पास किया है जो कोर्ट को अलाउ करता है कि कोर्ट डायरेक्शंस दे सकता है ड्रोवर को। ड्रोवर यानी कि जो पर्सन चेक लिख रहा है, जिसने चेक इश्यू किया है उसको ये डायरेक्शंस दे सकता है कि वो पेई को कंपनसेशन पे करे। पेई और ड्रोवर ये 2 मेजर टर्म है। ड्रोवर का मतलब है जिसने चेक इश्यू किया है और पेई का मतलब है जिसके अकाउंट में पैसे आएंगे। तो इस बिल के हिसाब से कोर्ट है वो ड्रोवर को डायरेक्शंस दे सकता है कि वो पेई को कंपनसेशन प्रोवाइड करें जब तक केस सुना नहीं जा रहा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक इट और आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखिए। इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए आपको उसके बारे में अपडेट मिल जाए। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।